एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विदेश मसाला में। मैं आ गई हूँ अपने खेतों में और ये हमने नींबू के पेड़ लगा रखे हैं और ये देखिए कितने अच्छे से नींबू फल के पक गए हैं। तो आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं तो नींबू की है, आपने थंबनेल में देख ही लिए होंगे। तो इसमें से जो पके पके नींबू हैं उन्हें हम तोड़ लेंगे। तो चलिए इन्हें हम पहले तोड़ लेते हैं। तो ये जो हमने नींबू के पौधे लगाए थे ये ज़्यादा दिनों के नहीं हैं, इसको लगभग 2 साल हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा फल देने लगा है नींबू जो है, और ये दूसरी बार फला है। तो हमें बस केवल पके पके नींबू ही चाहिए। तो अभी तो जो ज़्यादा पक गए हैं हम उन्हीं नींबूओं को तोड़ लेंगे, उसके बाद जो है और पकेगा तो फिर उसका और भी अचार बनाएंगे दूसरे तरीके से। तो ये हमने नींबू तोड़ लिए हैं, हमें जितनी अचार बनानी है उस हिसाब से हम अपना नींबू तोड़ लिए हैं। बाकी ये भी छोड़ देते हैं क्योंकि ये भी अच्छे से पके नहीं हैं और जब ये पक जाएंगे तो अभी हम इसका और भी अचार बनाएंगे। तो चलते हैं हम घर की तरफ अब इसको हम अचार बनाने के लिए। तो दोस्तों ये हमने नींबू जो है तोड़ लिए थे और इन्हें हम धुल के और इसका पानी अच्छे से सुखा लिए हैं। साथ में हम कुछ हरी मिर्च और कुछ अदरक लिए हैं, इसके भी डंठल तोड़ के और अदरक को छील के इनको भी धुल के और इसका पानी हम अच्छे से सुखा लिए हैं। तो अब हम चलते हैं इनके छोटे छोटे पीसेस काटने। तो नींबू को हम काटेंगे पहले, तो एक बर्तन ले लेते हैं और इसमें हम नींबू के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। तो पहले ये नींबू के दोनों सिरों को इस तरह से काट लेंगे, उसके बाद ये देखिए ये कितने अच्छे नींबू हैं। और आपको जितने छोटे छोटे पीसेस रखने हैं आप उस हिसाब से छोटे छोटे पीसेस काट ले। तो ये हमने सभी नींबू के छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। तो अब हम अदरक और हरी मिर्च को भी काट लेते हैं। मिर्च को हम इस तरह से बीच से दो भाग में कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसके और भी छोटे छोटे पीसेस काट लें, आपको जैसा पसंद हो, लेकिन मैं इसे बीच से इस तरह से दो पीस में कर दे रही हूँ। तो मिर्च के भी हमने इस तरह से पीसेस काट लिए हैं। तो अब हम अदरक के भी छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। तो अदरक आपको अपने हिसाब से जिस तरह से आप रखना चाहें, या तो आप इस तरह से लंबे लंबे पीसेस काट लें या आप इसे छोटे छोटे गोल टुकड़ों में भी काट लें। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है जब नींबू में अच्छी तरीके से गल जाता है, या फिर अगर आप चाहें तो इसे हल्का सा कूट कर भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये अदरक भी हम काट लिए हैं। तो अब हम चलते हैं इसमें मसाले ऐड करने। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से मसाले हम डालेंगे। इसमें हम 20 ग्राम के लगभग काली मिर्च लिए हैं और सिर्फ ठीक उतना ही जीरा लेंगे, और ये 3 हम बड़ी इलायची लिए हैं। ये 25 ग्राम अजवाइन है, 25 ग्राम के लगभग काला नमक है, और ये 1 चम्मच हल्दी है। तो इन सबको पहले हम पीस लेंगे अजवाइन को छोड़कर, बाकी इन तीनों को हम एक मिक्सी जार में पीस लेते हैं। तो हम एक मिक्सी जार में पहले काला नमक ऐड करेंगे, फिर जीरा और ये बड़ी इलायची, उसके बाद काली मिर्च। अब इन सबको हम पीस लेते हैं पहले। तो मसाले हमने पीस लिए हैं, तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर, उसके बाद ये 25 ग्राम अजवाइन, और फिर ये जितना हम लिए थे नींबू उसमें हमें लगभग 100 ग्राम के लगभग हम नमक ऐड कर रहे हैं। नमक की मात्रा सही रखेंगे, अगर नमक हम इसमें कम रखेंगे तो नींबू अच्छे से गलेगा नहीं, सही रहेगा तो ये काफ़ी लंबे समय तक अचार चलेगा। तो इसमें नमक की मात्रा सही रखें, कम ना रखें। तो इसमें हमने 100 ग्राम के लगभग नमक ऐड कर लिए हैं, और अब हम इसमें डाल देंगे ये पीसे हुए मसाले। इसमें हमने काली मिर्च, जीरा और काला नमक और बड़ी इलायची पीसे थे, तो अब इन सबको हम मिला लेंगे।
ये देखिए ये बिल्कुल सूखा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में नींबू पानी छोड़ने लगेगा और फिर उसके बाद ये सब बिल्कुल अच्छे से मसाले हमने नींबू में अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। तो नींबू अभी पानी नहीं छोड़ रहा है, तो इसे अभी हम एक हफ्ते तक धूप दिखाएंगे। तो इसमें अभी क्या करेंगे, कुछ हम नींबू जो बचा के रखे थे तो इसका हम इसमें रस गार देंगे। तो इस तरह से हम इसके रस जो है थोड़ा इसमें गार देते हैं और फिर इस नींबू को इसी में छोड़ देंगे। थोड़ा थोड़ा करके कुछ नींबू का रस इसमें हम गार देंगे, इससे मसाले अच्छे से भींग जाएंगे और फिर उसके बाद जब नींबू रस पानी छोड़ेगा तो फिर सब इसमें अच्छे से गलने लगेगा। तो दोस्तों आप इस तरह से जरूर नींबू का अचार बनाएं, ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है और बहुत ही अच्छा है और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, ये पाचन बहुत अच्छा करता है। तो इसे खाने से स्वाद तो अच्छा होगा ही, आपका पेट भी सही होगा। तो दोस्तों ये हमने मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, तो तैयार है हमारे नींबू का अचार और अब हम इसे एक कांच के जार में स्टोर कर देंगे। तो ये कांच का जार है और आप जब भी नींबू का अचार बनाएं तो उसे कांच के जार में ही रखें, क्योंकि इसमें जो है सैट्रिक एसिड होता है और ये कास्टिक हो जाता है, तो प्लास्टिक के जार में जल्दी गलने लगेगा प्लास्टिक की और नुकसानदायक होता है प्लास्टिक। तो आप इसे कांच के जार में ही रखें। तो मैं इसे कांच के जार में स्टोर कर दे रही हूँ और आप इसे धूप दिखाने के बाद ये 10 से 15 दिन के अंदर ही खाने लायक हो जाएगा, एक हफ्ते में ही खाने लायक हो जाएगा। आप इसे चाहे तो तुरंत खा सकते हैं, इसमें का मीठ निकाल कर आप तुरंत खा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने नींबू का अचार कांच के जार में स्टोर कर लिए हैं। तो दोस्तों आपको ये हमारे अचार की रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो, रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों प्लीज़ मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टेस्टी रेसिपी के साथ।